नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 के बारे में। तो गाइस इस बाइक को KTM ने ग्लोबली लॉन्च कर दिया और यहाँ पर काफी सारे फीचर इस बाइक में दे दिए हैं। और गाइस फीचर के अलावा इस बाइक की लुक्स को इस बार कम्प्लीटली KTM ने चेंज कर दिया है और यहाँ पर इस बार काफी सारी इंप्रूवमेंट इस बाइक के बारे में की गई है, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप भी KTM ड्यूक 250 के लवर्स हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आज की वीडियो में हम आपसे ये भी बात करने वाले हैं कि इस बाइक को KTM इंडिया के अंदर कब लॉन्च करने वाला है। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक की लुक्स के बारे में। तो गाइस ये जो KTM ड्यूक 250 है वो इस बार दो कलर में लॉन्च होने जा रहे हैं। जो इस बाइक का पहला कलर है वो है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और हमें इस कलर की लुक कुछ ऐसी इस बार देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर गाइस अगर बात करें सेकंड कलर के बारे में तो वो होने वाला है सेरेमिक व्हाइट और उस कलर की लुक हमें कुछ ऐसी देखने को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया है। और यहाँ पर गाइस अगर बात करें बाइक के फ्रंट लुक के बारे में तो यहाँ पर गाइस हमें काफी शानदार फ्रंट लुक इस बाइक की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस तरह के हेडलाइट इस बाइक में दे दी गई है और यहाँ पर जो हेडलाइट का थ्रो काफी शानदार है। और यहाँ पर गाइस आपको KTM ड्यूक 250 में फ्रंट में डियर लाइट देखने को नहीं मिलती, बाकी यहाँ पर आपको न्यूली डिजाइन इंडिकेटर इस बाइक में दे दी गई है और यहाँ पर न्यूली डिजाइन रियर व्यू मिरर इस बाइक के अंदर आने वाले हैं, जिनका डिजाइन काफी बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें बाइक की साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह के हमें इस बाइक यहाँ पर साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा ड्यूक 250 का लोगो और यहाँ पर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर बात करें बाइक की सीट के बारे में तो इस बार आपको न्यू डिजाइन सीट इस बाइक में देखने को मिलेगी और यहाँ पर गाइस सीट को ना इस बार काफी कंफर्टेबल बना दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इस बाइक का जो डिजाइन है वो भी दोस्तों काफी बढ़िया इस बार हो चुका है। और यहाँ पर बात की जाए बाइक की रियर लुक के बारे में तो कुछ इस तरह के हमें इस बाइक यहाँ पर रियर लुक देखने को मिल जाती है। आपको रियर में देखने को मिलती है LED टेल लाइट और यहाँ पर दोस्तों काफी बढ़िया हमें इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो गाइस आपको ऑनली KTM ड्यूक 250 का ओवरऑल डिजाइन कैसा लगा तो ये आप हमें प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाकी अगर बात करें बाइक के इंजन के बारे में तो इस बाइक में दिया हुआ है 249cc सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन और ये जो इंजन है वो इस बार प्रोड्यूस करेगा 31.3 PS की मैक्सिमम पावर और 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और गाइस जो फिलहाल अभी करंट ड्यूक 250 इंडियन मार्केट में सेल हो रही है उसके अंदर आता है 248.76cc का इंजन और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 29.6 PS की मैक्सिमम पावर और 24 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू KTM ड्यूक 250 को इस बार काफी पावरफुल यहाँ पर बना दिया गया है। और यहाँ पर गाइस ये जो बाइक है वो इस बार पहले से भी काफी बढ़िया टॉप स्पीड को अटेन कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में दिया हुआ है 6-speed गियरबॉक्स। और यहाँ पर बात करें बाइक के कर्व वेट के बारे में तो इस बाइक का 165 kg का कर्व वेट है, जो कि दोस्तों करंट मॉडल से 5 kg के आसपास कम है। यहाँ पर बात करें बाइक के फ्रेम के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक में ना न्यूली डिजाइन स्प्लिट ट्रैली फ्रेम देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको फ्रंट में दिए गए हैं WP पैक्स के USD फॉक्स सस्पेंशन और आपको इस बाइक के रेयर में ना न्यूली डिजाइन मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर दे दिए गए हैं। और जो रेयर सस्पेंशन है दोस्तों उसको दोस्तों ऑफसेट माउंट किया हुआ है ताकि आपको काफी बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक से देखने को मिल जाए। और यहाँ पर आपको न्यू स्विंग आर्म का डिजाइन इस बाइक में देखने को मिलता है और इस चीज की वजह से जो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस है वो काफी यहाँ पर बढ़िया हो जाती है। बात करें ब्रेक सेटअप के बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको न्यूली डिजाइन ब्रेक सेटअप इस बाइक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फ्रंट में दिया गया 320mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक और आपको इस बाइक के रेयर में 240mm की यहाँ पर डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है। बाकी यहाँ पर आपको 5-spoke alloys इस बाइक में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बात करें टायर साइज के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं 110mm सेक्शन के टायर और आपको इस बाइक के रेयर में 150mm सेक्शन के टायर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी आपको फ्रंट और रेयर में 17 inches के व्हील कंपनी ने इस बाइक में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा अपडेट इस बाइक में किया गया है वो इस बाइक की सीट हाइट के रिगार्डिंग। तो गाइस यूजुअली KTM की हर एक बाइक की सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इस बार जो सीट हाइट है वो यहाँ पर रखी गई है इस बाइक की 800mm की। और गाइस अगर आप चाहे तो ना इस सीट हाइट को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक्सेसरीज बाय करनी पड़ेगी शोरूम से। और अगर बात करें कि भाई इस बार न्यू KTM ड्यूक 250 में क्या क्या नए फीचर में देखने को मिल रहे हैं तो गाइस सबसे प्यारा फीचर मेरे को इस बाइक में ये लगा कि भाई KTM ने इस बाइक का इस बार कंसोल को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ना इस बार 5-inch का LCD डिस्प्ले इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको न्यूली डिजाइन हैंडल बार के स्विच इस बाइक में दे दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस कंसोल को ना इस बार ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर काफी सारी जानकारी आपको कंसोल के अंदर शो हो जाएगी, लाइक आप कॉल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको कंसोल में शो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस बाइक में ना कॉर्नरिंग ABS और सुपर मोटो ABS मोड एज अ स्टैंडर्ड फीचर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ कि भाई ये वाली बाइक इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने जा रही है तो गाइस मेरे को थोड़ा सा ये पता लगा है कि भाई KTM वाले ना इस बाइक को इंडिया के अंदर अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि बाइक का क्या प्राइस हो सकता है तो गाइस जैसे कि इस बाइक में काफी सारे फीचर अपडेट कंपनी ने किए हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक के एस्टिमेट प्राइस के बारे में तो इस बाइक का 2.6 लाख के आसपास का एक्शन प्राइस हो सकता है इंडियन मार्केट में। बाकी दोस्तों आपके इस बारे में
में क्या राय है, तो ये आप हमें प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।